वेलकम टू चैनल लाला सी फाइनल सुबह के 7:30 बज रहे हैं और ये देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा कोहरा टाइप का मौसम है। अभी बहुत ठंडी लग रही है, मैं एक जैकेट पहना हूँ लेकिन ठंडी लग रही है मुझे। यहाँ का हवा में है ना बहुत ठंडापन है। यहाँ का स्टूडेंट भी बोल रहा था कि अगर आप इधर जाते हो महानंदी नदी है इस साइड, ये डैम है उसके नीचे जो है महानंदा नदी है, उधर जाओगे तो मतलब अच्छे से कवर होके जाना क्योंकि सर्दी हो जाती है। तो सच में सर्दी हो सकती है ऐसा मुझे लग रहा है कि हवा से बहुत ठंडी हवा है मतलब। और मैं पूरा कॉलेज का जो कैंपस है मेन बिल्डिंग जहाँ क्लासरूम वगैरह होती है सारी चीज़ें उसका मैं सारा चीज़ मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आप लोगों को। किशनगंज बहुत सारे लोग बोल रहे थे किशनगंज कैंपस का कंप्लीट वीडियो बनाया, तो मैं पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हूँ तो पूरा वीडियो आप लोगों को दिखा। ये कैफेटेरिया है और इसके जस्ट सामने ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसी में कल गेम हुआ था बैडमिंटन टेबल टेनिस वगैरह। तो मैं आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी अंदर में दिखाता हूँ कैसा है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी काफ़ी अच्छा बनाया है, इधर टेबल टेनिस कोर्ट है, टेबल टेनिस कोर्ट। ये पे टेबल टेनिस गेम हुआ था, देख रहे हो काफ़ी बढ़िया है, पूरा लाइटिंग वाइटिंग कभी भी हो सकता है, नाइट में भी हो सकता है, इंतज़ाम किया गया है। और इधर बैठने के लिए ये ऑडियंस को बैठने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। और इसके जस्ट बाहर निकलेंगे तो अपोजिट में वो है, अपोजिट में जो है बैडमिंटन कोर्ट है, ये लॉक वो बैडमिंटन कोर्ट भी लॉक है। मैं इधर विंडो से दिखा देता हूँ कैसा है। ये है बैडमिंटन कोर्ट, इसमें भी लाइटिंग वगैरह लगी हुई है, काफ़ी बढ़िया लाइटिंग वाइटिंग पूरा अच्छे से इंतजाम किया गया। तो यहाँ पे बैडमिंटन हुआ था और यहाँ पे ऑडियंस को बैठने के लिए वो है सीटिंग अरेंजमेंट है, सीढ़ियाँ बनी हुई है तो देख सकते हो कितना अच्छा है। ये है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और इसके जस्ट सामने जो है ग्राउंड है, इसके जस्ट सामने ग्राउंड है। हमारा BBC कैंपस का जितना बड़ा ग्राउंड है इसका ये 1/5 भी बोल सकते हैं उसको, 1/5 या 1/4, काफ़ी छोटा है मतलब बहुत छोटा ग्राउंड है ये, लेकिन BBC का बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो ये सामने यहाँ पे रेस वगैरह लॉन्ग जंप हाई जंप बहुत सारी चीज़ें हुई, ये देख रहे हो ठीक है। अब धूप निकल चुका है थोड़ा, अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे जो कुहास के बच्चों का मैस है तो मैस दिखाऊंगा और इसके ऊपर जिमनेशियम। ये जिम खुला है तुम लोग का, मैस खुला हुआ है? मैस खुला हुआ है, जिम का पता नहीं है। ये है कुहास की स्टूडेंट, तुम्हारा नाम क्या है? प्राची। प्राची और तुम्हारा? सृष्टि। सृष्टि तुम्हारा नाम क्या है? युम्मी। अभी खुला नहीं है क्या ये? ये मैस है इन लोगों का, ये मैस दिखा देता हूँ आप लोगों को। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अभिनव। ये अभिनव है कुवास का ही फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। और इधर है मैस है, इधर मैस है इन लोगों का जो मैस के लोग। तुम्हारा मैस कैसा है? प्राइवेट ही है ना, मतलब तुम ही लोग मैनेज करते हो ना? डाइनिंग हॉल गर्ल्स, गर्ल्स सेक्शन है ये, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये है बॉयज सेक्शन, डाइनिंग हॉल, यहाँ पे बर्थडे वगैरह भी सेलिब्रेट करते हो तुम लोग। टीवी, ये तुम्हारा हॉल भी है, टीवी भी लगा हुआ है, अच्छा है। ये है गर्ल्स का डाइनिंग हॉल और इसके ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे मैस है और फर्स्ट फ्लोर पे जिम है। अनफॉर्चुनेटली जिम अभी लॉक है इसलिए नहीं दिखा पाएंगे, इस विंडो के थ्रू थोड़ा सा देख सकते हो। तो ये देख सकते हो ये जिम है, काफ़ी सारी इंस्ट्रूमेंट जो भी है जिम की ऑलमोस्ट है यहाँ पे, तो मज़ा आएगा। प्रियंका, तुम्हारा क्या नाम है? श्वेता भारती। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, गए से हो? और तुम कहाँ से हो? पटना से। ये लोग कुवास के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, मज़ा आ रहा है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, बढ़िया क्लास वगैरह चल रही है? नो। चलो अच्छा है। कैसा एक्सपेक्ट, कैसे कैसा की थी कि कैसा होगा नहीं होगा उससे, कैसा एक्सपेक्टेशन से? लग रहा था कैसा रहेगा नहीं रहेगा, अभी सीनियर्स नहीं है तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत हो रही है। अच्छा, बट सर लोग हेल्प कर देते हैं। हाँ, तो उतना कुछ नहीं परेशानी होती है ना, सर लोग काफ़ी वो हैं कोलैबोरेटिव में। चलो अच्छा है, अच्छा लगा तुम लोगों से बात करके।
ये भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। तुम्हारा नाम क्या है? सुप्रिया। कहाँ से हो? कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। और और ये अच्छा लग रहा है वेटनरी कि कहाँ? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कहाँ आ गए हैं? ठीक है, अच्छा लग रहा है। ये सारे फर्स्ट ईयर की कुवास की गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, तो सब अभी स्पोर्ट्स का ये थर्ड डे है और ये लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट की है और कुछ लोग ऑडियंस बन के भी, सारे लोग सब जर्सी पहने में, मतलब सब पार्टिसिपेंट हो। किसी को कुछ बोलना है ये वेटनरी के बारे में? तुम अपने जूनियर, तुम्हारे आएंगे ना अब नए जूनियर आएंगे, तुम लोग अब सीनियर बन जाओगी 5-6 महीने के बाद, तो उसको क्या मैसेज दोगी, क्या बोलना चाहोगी? जैसे तुम लोग यहाँ पे आने के लिए कितना क्यूरियस थी, कैसा नहीं है, बहुत सारे सभी लोग क्वेश्चन कर रहे थे मेरे से, अच्छा होगा ये वो दिस दैट, तो ऐसे क्या बताना चाहोगी बताओ? हाँ अच्छा। और तुम्हें कुछ बोलना है? आने से पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, आने के बाद अब नहीं, सारा डाउट खत्म हो गया। चलो अच्छा है, तुम लोग का ये सुन करके अच्छा लगा, मतलब तुम लोग काफी खुश हो। एक्सपेक्टेशन से अच्छा है, तुम लोगों को कुछ बोल रहे ये अच्छा था हम लोग का जूनियर बना, फिर तुम लोग को मजा आएगा ना। अभी अभी तुम लोग सिंगल बैच हो तो कम स्ट्रेंथ में हो और इसलिए मजा भी नहीं आता, फिर तुम्हारे जूनियर आ जाएंगे, सपोर्ट भी नहीं मिल पाती है। सही है, तो अच्छा लगे 2-3 साल के बाद तुम लोग को और बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब 2-3 बैच हो जाएंगे तो काफ़ी स्ट्रेंथ हो जाएगी, तो तुम लोगों की बढ़िया लगेगा, अच्छा सब कुछ बड़ा बड़ा लगेगा। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स होगा नाश्ता करने के लिए और बॉस और मैम नाश्ता करके आए। नाश्ता में क्या मिला, क्या मिला नाश्ता में अभी? पूरी सब्जी, अंडा, केला। वाह बढ़िया नाश्ता, फिर मैं भी जा रहा हूँ। ये कैंपस की ब्यूटी है, देख रहे हो। ये स्पोर्ट्स का थर्ड डे है, आज 9 फरवरी है और टाइम हो रहा है 9:10। इतनी बड़ी ये है, मतलब कॉलेज है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी बहुत सारी बिल्डिंगें जो हैं खाली है, क्योंकि वेटनरी जो है कुवास को जो जितना मिला है, तो अभी एक ही बैच आया ना, और भी सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर के बच्चे जब आएंगे, पूरा जो भी बिल्डिंग खाली हो सब भर जाएगा, फिर और अच्छा लगेगा देखने में। और ये कुछ बिल्डिंगें जो है कई सालों तक बंद भी थी, ऐसा बोल सकते हैं, बन के बहुत पहले रेडी हो गया था, जिस वजह से बिल्डिंग के बाहर पेड़ वगैरह उग गया है, तो थोड़ी इसकी रौनक जो है इस बीच में कम हो गया। बट ये जैसे जैसे अभी बच्चा रह रहे हैं, अभी दो या तीन मंथ हुए इन लोगों को आए हुए, तो जैसे 1 साल या 2 साल रहेंगे फिर वापस इनकी रौनक जो है ना बहुत, मतलब बदल जाएगी, तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में। मतलब कैंपस के अंदर आपको मज़ा आएगा और बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बाहर अच्छा है भी नहीं, 22-25 किलोमीटर दूर जाओगे तो किशनगंज की मेन सिटी है, जो कि उतना मतलब कोई ख़ास है भी नहीं। ये है इसका साइड इफ़ेक्ट है। बट कैंपस खाने के लिए है ना, कुछ लोग उठ जाते हैं, उसमें हमारे संदीप बॉस भी हैं जो नाश्ता को बिल्कुल ही नहीं स्किप करते हैं, और खाना खा के आ चुके हैं, और नवीन बॉस भी खाना नाश्ता करके आ चुके हैं, सॉरी। और ये देखो कुछ जूनियर है जो नाश्ता कर रही है, अब मैं भी जा रहा हूँ नाश्ता करूँगा। पूरी सब्जी मिला है, अंडा भी है। अंडा वो करके नहीं दिया क्या, छील के? कितने गलत लोग हैं ये लोग, मतलब अंडा छील के भी नहीं दिया। का ब्रेकफास्ट पूरी है, एग है, और रेजिडेंशियल ब्लॉक है, और इधर ही बॉयज हॉस्टल है। अभी बॉयज हॉस्टल जो है रेजिडेंसी ब्लॉक है, उसी में बनाया गया है बॉयज हॉस्टल, बट इसका जो मेन एक्चुअल बॉयज हॉस्टल है वो शायद बन रहा है अभी, तो इसी में ये जितने भी बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, तो इधर ही रेजिडेंसी ब्लॉक में अलग अलग ब्लॉक मिला हुआ है। गर्ल्स का उस साइड है आगे, है बॉयज़ का इधर है, तो मैं यहाँ पर भी जूनियर लोग के साथ स्टे किया हूँ। अभी अंदर में भी दिखाएंगे आपको कैसा है ये।
देख सकते हो हॉस्टल ऑफ कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस किशनगंज। ऊपर जाके देखते हैं पीपल ब्लॉक। इट्स हार्ड फॉर मी टू लेट गो बट आई थिंक दैट आई एम फाइनली फीलिंग गुड अगेन। सो हार्ड cuz आई लव यू बट आई एम फाइनली फीलिंग। ये 2 BHK का फ्लैट है जिसमें 3 बच्चे रहते हैं, एक यहाँ और मैं इसी में स्टे किया हूँ। तो मैं दिखाती हूँ, अब ये लोग को और सारी चीज़ें मिलना बाकी है। बालकनी से देखो कितनी अच्छी व्यू आ रही है और इधर और भी ब्लॉक है। यही है बॉयज हॉस्टल। अभी मैं यहीं पर स्टे किया हूँ, एक चेयर मिला है, काफ़ी अच्छा है।